आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उत्कृष्टा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पर्यावरण रक्षा के भारत में प्रयास बहुआयामी रहे। भारत के प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर थी। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। पीएम ने कहा कि इस साल के बजट में हमने तय किया कि गंगा के किनारे बसे गाँव में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। इससे हमारे देश खेत तो केमिकल फ्री होंगे, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 4,270 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में कोविड से 15 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,357 नए मामले सामने आए और महामारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। इस मौके पर तमाम लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और विश्व हिंदू महासंघ ने हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। साथ ही एक हफ्ते तक जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने खून से एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा है, जिसमें उन्होंने जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जुमे के दिन को आतंक दिवस भी बताया है। जुमे के दिन को समुदाय विशेष के लोग भारी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और उन्हें उसके बाद हिंसक घटनाओं की रणनीति बनाकर उसको अंजाम देते हैं। देखिए, जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम होता है जो हृदय विदारक होता है, और ये घटनाक्रम जब एक नियमावली बन जाए कुछ लोगों के लिए, तो अति आवश्यक हो जाता है कि हम जो है सरकार का, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करके और उचित कार्रवाई की मांग करें। ऐसा जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक सीमा जब हो जाती है, कानपुर का जुम्मे की नमाज के बाद का जो प्रकरण है, उसने हमारे सहन शक्ति को जो है अब तोड़ दिया है। कतिपय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए। इसे आवश्यक कार्यवाही है उन तक पहुंचा दी। क्या मांग क्या है इसमें? है 4-6 पॉइंट्स हैं। जुमे की नमाज का भी जिक्र है इसमें। अभी आप लोगों ने गाजियाबाद में लगातार बढ़ते हुए नशे के काले कारोबार से जहां क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज विजयनगर थाने पर भारतीय किसान यूनियन भानू के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, जिसे खास कर कुछ जगहों को चिन्हित करते हुए लिखा गया कि आपराधिक किस्म के नशे का कारोबार और नशे के आदि लोगों का जमावड़ा लगा रहता और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन शहर के अंदर देखने को मिलेगा। बदायूं में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कमांडेंट रमाकांत पाठक के साथ होमगार्ड के जवान संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज गंगोला में वृक्षारोपण किया। साथ ही होमगार्ड के जवान यह संकल्प लिया कि हम लोगों ने जो भी पौधे लगाए हैं उनकी हर दिन देखरेख करेंगे। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। श्री राम लड़ते शर्मा जी के सौजन्य से विद्यालय श्री संतोष कुमार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज गनगोला के प्रांगण में हमारे सभी होमगार्ड्स जवान, जो कंपनी हमारी दातागंज और नेता झुकसा इस क्षेत्र में पड़ती है, दातागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी जवानों के सौजन्य से और हमारे कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी गणों के सौजन्य से फलदार वृक्ष का रोपण किया गया और इनको जो है
जल से सिंचित किया गया और सभी के द्वारा जो है ये संकल्प लिया गया है कि ये जो आज पौधरोपण किया गया है इनकी सुरक्षा और संरक्षा का भी जो है संकल्प इन सबके द्वारा जो है लिया गया और पूरा किया जाएगा। बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जिनके पास से 27 किलो गांजा भी बरामद किया जिसकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही गिरफ्त में आए 5 तस्करों में से 2 युवती और युवक है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्यवाही में जुट गई है। सिविल लाइन्स पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सीओ सिविल लाइन्स के कुशल पर्यवेक्षण और नेतृत्व में थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हमारा निरंतर चलने वाला अभियान है उसके तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये अवैध गांजा लगभग 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक गाड़ी सिलेरियो गाड़ी से ये लोग इस माल को छिपा के ले जा रहे थे। मुरादाबाद की पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। यातायात पुलिस ने करीब 600 लोगों को यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़ लिया। इसके बावजूद उनका चालान नहीं काटा गया। यातायात पुलिस उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल लेकर गई और 3 घंटे की मूवी दिखाई। इस मूवी के जरिए उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। देखिए ये यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये एक इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया था जिसमें हम यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों को प्रथम दृष्टया चालान न करके पहले उनको हम एक मूवी दिखाएंगे और उसके बाद जो है उनका चालान न करके हम उनको एक मूवी दिखाएँ या फिर ट्रैफिक के जो है नियमों का पालन न करने वालों का क्या हश्र होता है, क्या अंजाम होता है, क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, ये इस तरह की जो है तमाम क्लिपिंग्स हमारे पास हैं जो मुख्यालय से भी उपलब्ध कराया गया है। इन क्लिपिंग्स को हम लोगों को दिखा के ये हमारे जागरूकता का एक 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 प्रकार का हम एक माध्यम है कि हम लोगों कैसे जागरूक। मथुरा में पत्रकारों पर माफियाओं ने हमला कर दिया। पत्रकारों पर किए जा रहे हमले को लेकर जनपद भर में पत्रकारों में काफी गुस्सा देखा गया। जनपद भर के सभी पत्रकार घायल का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे जहां पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अगर पत्रकारों पर इसी तरह हमले होते रहे तो पत्रकार क्या करेंगे। इस बात को लेकर सभी पत्रकारों ने मंथन किया और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। सूचना पर पहुंचे एसपी आरएस श्रीचंद ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पत्रकारों को आश्वासन दिया। आपको मालूम है कि एसपी दियात साहब यहाँ आए इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नितिन गौतम और हमारे ये इन्होंने कप्तान साहब से बात की थी। कप्तान साहब से पीड़िता की भी बात कराई और उसमें ये हुआ कि कई चीज़ें नए फैक्ट निकल के आए हैं। जैसे एनसीआर बरसाने में इनसे कहा था जब इनके आदेश से हुई थी एसपी आरएस साहब से आज पूछा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, बोले रिपोर्ट नहीं एनसीआर दर्ज हुई लेकिन उसको लेकर के हमारे तहसील के उपजाति पदाधिकारी और ये खुद पीड़ित सुरेश ये जब एसओ साहब के पास रहे तो ये चीज़ नहीं निकल के आई कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उनको उस पद पर रहते नहीं कहनी चाहिए थी। उनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे वो काम पुलिस द्वारा संरक्षित होकर के हो रही है। पनील जी ने एक एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी, इस संदर्भ में बताया कि कार्रवाई नहीं हुई है, इस बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और लोगों से बातचीत करके सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए जो भी विधि कार्रवाई हुई उनके खिलाफ भी सूचित की जाए। मथुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां यमुना नदी में 4 बच्चे डूब गए और 1 बच्चे की मौत हो गई जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है जहां ओवरलोड ट्रकों के साथ बालू की सप्लाई की जा रही है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भी वैसी ही बोली लगाई जाती है जैसे ट्रकों की लगती है। देखिए ट्रैक्टर में ट्रैक्टर का जो पंजीयन है व्यवसायिक कार्यों के लिए है, व्यवसायिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि कोई स्वामी इस प्रकार का
उपयोग करता है गैर कृषि के रूप में, तो उसके उसको अपने वाहन का जो है व्यावसायिक रूप में परिवर्तन करा के और टैक्स जमा करा के तभी संचालित करना अपेक्षित है। उल्लंघन की दशा में चालान करके इनसे जुर्माना वसूला जाता है और इनको परमिट की भी आवश्यकता है। परमिट लेने के उपरांत ही ये व्यावसायिक प्रयोग कर सकते हैं। रायबरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर स्थानीय लोग ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की शह पर अवैध बिल्डिंगें लगातार बनती जा रही है। मानक विहीन बन रहे बिल्डिंगों का न तो नक्शा है और न ही पार्किंग की कोई व्यवस्था है, फिर भी आरडीए के जेई और अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौसी में सरकार बिजली चोरी को रोकने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रही है। आवास हो या सरकारी ऑफिस, सभी जगहों पर डिजिटल मीटर लगवाया जा रहा है जिससे बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर ही एक विशेष मीटर को लगवा दिया गया जिससे कि चोरी को रोका जा सके। जो है मीटर ट्रांसफार्मर के डबल पोल पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे पूरे हॉस्पिटल कैंपस का, चाहे वो आवासीय हो चाहे वो हॉस्पिटल का हो, सबकी बिजली की खपत जो है इस मीटर द्वारा जो है मापन हो जाएगा, जिससे पूरी खपत का हम लोगों को उसका राजस्व वसूली हो सकेगा। खबर सोनभद्र से है, जहां के रॉबर्ट्सगंज स्थित प्रकाश जीनियस पब्लिक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला छात्रा अग्रिमा जायसवाल 2 जून से लापता है। दरअसल 2 जून को हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में पेपर देने गई थी और पेपर देकर वहां से 12:45 पर घर के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। तो वही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच में जुट गई। वही छात्रा के घर नहीं पहुंचने से परिजन खासा परेशान है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन परिजनों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची उन्हें वापस मिले। वही परिजन बेहद ही परेशान है। वही पीड़िता का भाई, पीड़िता के जो भाई है आशीष जायसवाल, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। आशीष, क्या कोई मदद अभी तक आपको मिल पाई पुलिस प्रशासन की तरफ से? अभी लगे हुए हैं, प्रशासन पूरी लगी हुई है। कोई जानकारी अभी तक आपको मिल पाई आपकी बहन के बारे में? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कब गायब हुई है आपकी बहन? कितना वक्त हो गया जब वो घर नहीं आई अब तक वापस? 72 घंटे से ऊपर हो गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही आपकी मदद करे। श्रावस्ती में अवैध डग्गामार बसों पर एक्शन लेते हुए इकोना के पास बस पहुंचते ही पुलिस ने 2 बसों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया, जिससे बस मालिकों में हड़कंप मच गया। ये प्राइवेट बसें श्रावस्ती समेत आसपास के अन्य जनपदों से बाहरी राज्यों तक सवारियां लेकर आती जाती रहती, लेकिन परिवहन विभाग इन बसों पर कार्यवाही करती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन श्रावस्ती पुलिस की नजरें जब इन बसों पर पड़ी तो बसों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।